राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। चार राज्यों को छोड़कर केवल छत्तीसगढ़ में दो चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। पांचों राज्यों के कुल 679 विधानसभा सीटों के नतीजे 3 दिसंबर को एक साथ घोषित होंगे। सभी राज्यों में आज यानी 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस साल इन 5 राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख मतदाता है, जिनमें लगभग 8 करोड़ 20 लाख पुरुष और 7 करोड़ 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस बार करीब 60 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। आयोग ने वोटिंग के लिए 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चांद नेता और जगदलपुर बस्तर के तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश की 230, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 सीटों पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की, तो वहीं तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। हालांकि मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।